मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मुंब्रा देवी मंदिर रोड से छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी निकाली गई। ये पालकी शंकर मंदिर नाके तक लाई गई। आपको बता दें इस दौरान लोग नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। कोरोना काल के करीब 2 साल बाद आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में मुंब्रा की सड़कों पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान शानू पठान छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में फूल अर्पित किया। आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर लोगों में काफ़ी खुशी का लहर देखने को मिला और साथ ही रिदा रशीद भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर नाचते झूमते हुए नजर आई है। इस दौरान हमने तमाम लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ इन लोगों ने कहा है आपको सुनाते हैं। आज मुंब्रा ये शहर में आर्य सनातन समिति के मंडल के नेतृत्व में आज यहाँ पर 2 साल के बाद एक भव्य शिव जयंती का आयोजन किया गया है। इस शिव जयंती में पूरे मुंब्रा के सभी कार्यकर्ता, सभी बड़े पैमाने पर जनता इस शिव जयंती पर आई है। मैं शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज पूरे विश्व में तिथि के अनुसार शिव जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। आज तिथि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। आज इसी अवसर पर मुंब्रा विभाग में बड़े पैमाने पे सारे जाति धर्म के लोग इस शिव जयंती के जुलूस में शामिल हुए और बड़े प्यार मोहब्बत से सबसे मिल रहे हैं, सबको बधाई दे रहे हैं। और अभी इसी तरह से ये जुलूस हम शंकर मंदिर तक हमारा पहुंचने के बाद वहाँ पे भी हमने भंडारा का भोजन रखा है और साथ ही महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम भी रखा है। तो ऐसा हमारा ये शिव जयंती का इस मौके में हमारा दिनचर्या रहती है। आज यहाँ की जनता और प्रशासन का बहुत ही आभारी हूँ। जो शिवाजी महाराज का जयंती है, जो उत्सव है, सब अपने मन से मना रहे हैं। सभी कौम के, सभी समाज के इसमें शामिल हुए हैं और तहे दिल से सबका आभार मानता हूँ। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ठाणे जिला द्वारा सभी भाइयों को शिव जयंती तिथि अनुसार शिव जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिवाजी महाराज के चरित्र पे सभी कार्यकर्ता हमारे उनका जो चरित्र था उस चरित्र के ऊपर शिवाजी महाराज का अपने सामने एक आदर्श रखकर सभी कार्यकर्ता अपने जीवन का पालन करें, यही हमारी अपेक्षा है। और सभी को शिव जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राम। आज सभी महाराष्ट्र के लोगों को, आज सभी लोगों को शिव जयंती का बहुत बहुत मुबारक दूंगी। और बस शिव जयंती निकली है, बचपन से इसको मनाते आए हैं और आज भी मैं मतलब लास्ट 4 साल से देख रही हूँ मुंब्रा की शिव जयंती को भी। 2 साल हमने शिव जयंती मनाई नहीं है, तो इस बार की शिव जयंती बहुत अच्छी लगी और सभी लोग मदन है शिव जयंती में, तो मैं भी मदन हूँ और सभी साथ दे रहे हैं, सभी मिल के मना रहे हैं, तो मैं भी हूँ उसमें। जय श्री राम। आज 21 मार्च 2022 ये शिव जयंती तिथि के अनुसार हम हर साल से मनाते आ रहे हैं और ये 10वां साल है। ये यशस्वी 10वां साल मुंब्रा में हम ये शिव जयंती साजरी कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं इस शिव जयंती को प्रोत्साहन देने के लिए और अखा मुंब्रा ऐसे लग रहा है उतर चुका है आज सड़कों पर शिव जयंती मनाने के लिए। लोग पहले बाहर नहीं आते थे, आज लोगों में इतनी उत्साह है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक प्रबोधन रखा था छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर, उनके सच्चे इतिहास पर। उससे प्रेरणा लेकर हमें जो उम्मीद थी वो मुंब्रा के लोगों ने उसको प्रतिसाद दिया, यहाँ के हिंदुओं ने प्रतिसाद दिया है। उसके लिए मैं तमाम पूरे मुंब्रा के हिंदुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। तमाम हिंदू बांधवांना शिवाजी महाराजांच्या जन्मजयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज महाराजांची जन्मजयंती आहे आणि ह्या निमित्ताने आपल्याला महाराजांनी गोब्राह्मण प्रतिपालक म्हणजे गाय, देव, देश आणि धर्मासाठी जे आदर्श घालून ठेवलेले आहे त्या आदर्शाचं रक्षण करण्यासाठी छत्रपतीजी शिवाजी मावळे बनून आणि मावळे नीतीने ह्या सगळ्या राजकीय धार्मिक आक्रमणावरती मात करायची आहे असं मी त्याकरता आपण सर्वांनी सज्ज होऊन आणि हे ह्या भारतामध्ये हिंदवी स्वराज्य संस्था स्थापन करूया आणि शिवाजी महाराजांचं कार्य जे आहे ह्याच पद्धतीने पुढे चालूया। जय श्रीराम। जय श्रीराम। मैं आशीष कनौजी या विश्व हिंदू परिषद भजनगर से। आज मुंब्रा में शिव जयंती का आयोजन किया गया आर्य सनातन समिति द्वारा, जो विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेरित है। और ये
ये 10वां साल है हमारा। अब मुंब्रा में ये शिव जयंती आज से 10 साल पहले बंद कर दी गई थी इस कुछ कारण की वजह से, लेकिन आर्य सनातन समिति द्वारा ये कार्यक्रम वापस चालू किया गया और उसके बाद ये 10वां साल हम बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। और आप पीछे देख रहे हो कि यहाँ जो है लोग बहुत भव्य लोग से अपना विरोध आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमें सभी मुंब्रा और कौसा वासियों से शिव जयंती की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं सोनू कुमार बजरंगल का कार्यकर्ता हूँ। सभी को यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग आज भव्य शोभा ये जो शिव जयंती की पालकी अपनी उत्सव जो तैयारी की है, सभी लोगों ने उत्साह से बहुत श्रद्धा से भावना से शिवाजी महाराज के लिए रास्ते पे उतर के सभी लोगों ने आए हैं, पालकी में आए हैं और सभी को शिव जयंती की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र भारत। सबको शिवाजी महाराज की शिव जयंती की हार्दिक शुभेच्छा। ये वही शिवाजी महाराज है जिन्होंने उस समय जब हिंदुस्तान पे आक्रमण किया, गौ माता की हत्या की और यहाँ के अपने सनातन धर्म को मिटाना चाहा, उस समय एक मावला निकला अकेला और जिसने हिंदी स्वराज की स्थापना की वो अपने शिवाजी महाराज थे। आज उनका जन्मोत्सव का हम लोग वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। शिव जयंती की शुभकामनाएं पूरे मुंब्रा कौसा वासियों को दे रहे हैं। ये जो त्यौहार जो है महाराष्ट्र में पूरे मनाया जा रहा है और ऐसे ही त्यौहार हर जगह मनाना चाहिए। जैसे अभी आपको मालूम है कि सौगे यात्रा जो है पाड़वा की जो होती है वो भी आ रही है 2 तारीख को, उसका भी जल्लोष होगा। और मुंब्रा कौसा का एक मिसाल है पूरे देश में या पूरी दुनिया में, एकता का मिसाल जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिलकर ये प्रोग्राम मनाते हैं, इसलिए मैं सबको शुभकामना देना चाहूँगा फिर से। भैया ये 11 बरस से मुंब्रा में शिव जयंती का साजरा करता नियत आए और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भव्य आयोजन किया गया है और भारतीय जनता पार्टी तन मन धन से शिव जयंती का साजरा करती है और ये शिव जयंती का साजरा पूरा हिंदू समाज, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग और महाराज शिवाजी महाराज ये तो आराध्य देव है, हिंदुस्तान की पूजा हिंदुस्तान करती है इनकी, और इसी दो शब्दों के साथ तन मन धन से पूरी जनता मुंब्रा की कौसा की पूरी जनता लगी हुई है। और बाद में मैं इतना एक कहना चाहता हूँ कि ये मुंब्रा का भाईचारा बचा रहना चाहिए। सर्वधर्म संभव शिवाजी महाराज एक ऐसे आराध्य देव थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज किया है, हर दिलों पर राज किया है, ऐसे शिवाजी महाराज की। आज 21 मार्च छत्रपती शिवाजी महाराजांची तिथीनुसार शिव जयंती मनवण्यात येत आहे आणि मुंब्रातील सर्व शिवभक्त आणि सर्व त्यांचे भक्त जमलेले आहेत। हा समुदाय छत्रपती शिवरायांच्या प्रेमापोटी जमलेला आहे। जय भवानी, जय शिवाजी।